ठाकुर जी, श्री भजन सिंह जी, श्री कमल ठाकुर जी और मंच पे विराजमान सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, आप सबका भी इस सभा में स्वागत। एक बार मेरे साथ कहिए, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की धन्यवाद, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवान भोलेनाथ जी की। यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा दिल वैसे भी हिमाचल में ही रहता है, घर दिल्ली में है, चलिए घर हिमाचल में भी है, लेकिन इस घर में दिल ज्यादा रहता है, यहाँ आने का बड़ा दिल करता है। तो जब भी मैं हिमाचल आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, देखिए, आपका प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है, आपका हुनर भी बहुत है, आप शिक्षित भी हैं और हर तरह से आपके प्रदेश की ओर पूरा देश देखता है, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है उसमें एक तरह से जो सादगी और जो ईमानदारी है वो शायद पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। और मैंने भी अपने अनुभव में ये देखा है कि आपके जो समाज की सभ्यता है, आपके रहन सहन के जो तरीके हैं वो बहुत सुंदर और शालीन है, और इससे पूरे देश को सीखना चाहिए। जो भी नेता यहाँ आता है खास तौर से चुनाव प्रचार के लिए, वो ये बात जरूर करता है कि ये देव भूमि है और वीरों की भूमि है, और ये सही बात है, एक गंभीर बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक कहने का तरीका नहीं होना चाहिए कि कोई भी आया कह दिया और चले गए। ये बात गहरी इसलिए है क्योंकि ये देव भूमि है और देवताओं की जो कृपा होती है वो हमेशा ईमानदारी पे होती है, ईमानदार लोगों पे होती है। जीवन सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, तभी भगवान की सारी कृपा आपके साथ आपके ऊपर रहती है। तो आपकी ये जो भूमि है इसे देव भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ की एक परंपरा है, एक सभ्यता है, एक सुंदरता है जो दैविक है। वीर भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने हमेशा अपने प्रदेश से सरहद पे अपने बेटों को भेजा हमारी धरती की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। यहाँ के बहुत जवान शहीद हुए, उन्होंने जान दी अपने देश के लिए, और इसलिए आपकी धरती वीर भूमि कहलाई जाती है, जहां से सैकड़ों वीरों ने हमारे देश के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो अगर आपके प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो ईमानदार न हो, जो सच्ची न हो, जो आपके प्रति श्रद्धा न दिखाती हो, तो आप क्या कहेंगे? आज आम चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाय इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। तो दोनों लोकसभा और जो बाय इलेक्शन है उनके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि जब आपने अपने प्रदेश की सरकार चुनी तो आपने बदलाव के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए अपना मत डाला, अपना समर्थन दिया। अब मोदी जी यहां आकर देव भूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि यह सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी,
सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी और मोदी जी ने पैसे दे देकर भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश आपके प्रदेश की सरकार के खिलाफ करें, वो प्रधानमंत्री आपको सर्वोपरि समझते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस प्रधानमंत्री जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा है, अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहां के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के नाम से। सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करेंगे। तो ये एक तरह की राजनीति है बहनों और भाइयों, और इसका नतीजा आपने देखा है। ये जो अग्निवीर की स्कीम है, ये इसी राजनीति का नतीजा है, क्योंकि इस राजनीति के लिए जो मोदी जी और भाजपा के लोग करते हैं, इसके लिए धन बल की बहुत जरूरत होती है भाइयों और बहनों। बगैर धन बल की के ऐसी राजनीति नहीं चल सकती, क्योंकि धन बल से ही खरीदना है विधायकों को, धन बल से ही ये मीडिया वाले जितने भी टीवी के चैनल हैं इनको चलाना है। तो धन बल की जरूरत होती है, और ये धन बल आता कहां से है? बड़े बड़े खरबपतियों से आता है। और जितनी भी नीतियां बन रही हैं आज, पिछले 10 सालों से इस देश में बनी हैं मोदी जी की सरकार में, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनी है। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीम आती है जिसमें जो सेना में भर्ती होता है वो 4 सालों बाद वापस आ जाता है अपने घर और फिर से बेरोजगार बनता है, ताकि डिफेंस में भी बड़े बड़े खरबपतियों का हाथ हो। इसीलिए जब ओपीएस जैसी जो पुराना पेंशन है, जब ओपीएस की बात होती है तो मोदी जी की सरकार कहती है कि पैसे नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ करने होते हैं तो अचानक 16 लाख करोड़ रुपए जनता के पैसे जनता के बैंकों से, सरकारी बैंकों से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन पुराने पेंशन के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं है। ये भी उसी राजनीति का नतीजा है जो सिर्फ सत्ता के लिए चलती है और सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चलती है। आज हिमाचल के सेब के किसानों का हाल देखिए, तमाम कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े खरबपतियों को दे रखे हैं। तो जहां जहां सेब उगता है और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है तो सेब का दाम कौन तय करता है? अडानी जी तय करते हैं, बड़े बड़े खरबपति तय करते हैं। तो सेब कब बिकेगा, कितने पे बिकेगा, आज वो तय करते हैं। आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ये भी नीतियां बन रही हैं। तो देखा जाए तो जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो सब सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। और जनता महंगाई से जूझ रही है, किसान जूझ रहा है, मिडिल क्लास जूझ रहा है, यहाँ तमाम शिक्षित नौजवान हैं, लेकिन पूरे देश भर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जितने भी शिक्षित हों रोजगार मिलने का नाम निशान नहीं है। माता पिता चाहे जितने भी गरीब हों, जितने भी दूर दराज इलाके के हों, सब अपने बच्चों को आजकल शिक्षित करते हैं। सबसे पहला परिवार का मकसद यही होता है, बच्चा शिक्षित होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी की देन है कि 10 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ गई है
वो 45 सालों में नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। जिस तरफ आप देखिए उस तरफ इन्होंने संकट बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ाई हैं, परेशानियां बढ़ाई हैं। हमने वो आरोपी की बात की, कांग्रेस इसे लाई, इन्होंने क्या किया? हम कहते थे वन रैंक वन पेंशन, ये कहते एक रैंक और तमाम अलग अलग पेंशन। आज अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीदों का पेंशन भी नहीं मिलेगा। इन्होंने शहीदों में भी फर्क कर दिया है कि एक तरह का शहीद और एक दूसरे तरह का शहीद। ये कैसी बातें हैं भाई और बहनों? आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सरकार चला रहे हैं। आज सेना में भर्ती होते हैं, चोट लग जाती है, उस वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी का पेंशन भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अलग अलग पेंशन भी बना दिए हैं। हर तरफ आपकी मदद करने के बजाय, आपका समर्थन करने के बजाय, आपको मजबूत करने के बजाय आपको कमजोर किया जा रहा है। मोदी जी यहां आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए, पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा से, चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके क्या हुनर है उन्हें ये भी नहीं मालूम। और आज जो परिस्थितियां उन्होंने देश में बनाई है, तो भाइयों और बहनों कोई बताएगा भी नहीं उन्हें। सब डरते हैं उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं, जनता के बीच तो वो आते ही नहीं। कभी किसी किसान से नहीं पूछते कि आपकी क्या हालात हैं, कैसे जी रहे हो। कभी आकर किसी आपदा में भी एक बार पूछते नहीं हैं। यहाँ कितनी बड़ी आपदा हुई, मोदी जी कहते हैं कि ये उनका परिवार है, हिमाचल उनका दूसरा घर है। आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया। आपदा के समय आने की बात छोड़िए, एक पैसा राशि, एक पैसा नहीं भेजा इन्होंने केंद्र से, इतनी भी राशि नहीं भेजी कि जहां जहां आपदा हुई थी वहां मदद हो जाए। हमारी सरकार ने जितनी स्कीमें आपके लिए बनाई थी वो लगभग उस समय हमें रोकनी पड़ी, क्योंकि सरकार के सारे पैसे, सारी संपत्ति हमने आपकी जो आपदा में जो मुश्किलें हुई उनको, आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए, आपको राहत देने के लिए डाली। आपने खुद देखा कि सरकार के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री नीचे आ गए, जमीन पे आए। कोई कहीं पे मदद कर रहा था, कुछ लोग फंसे हुए थे, तो कोई किसी के घर जाकर देख रहा था कि नुकसान को कैसे, हम के लिए हम कैसे राहत पहुंचा पाए। जहां जहां दुख था वो पहुंचे। और मैं ये नहीं कह रही हूं भाई और बहनों कि ये कोई बड़ी बात है, यही नेताओं का कर्तव्य होता है। आपदा के समय अगर आपके पास आए तो यही कर्तव्य होता है। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है। पंडित नेहरू जी जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो इसी मैदान पे जो आए थे अपने जमाने में, इंदिरा जी, उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने यही सिखाया कि नेता जनता का सेवक होता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। आपदा के समय आपके पास आना है, आपकी मदद करनी है, किसी भी तरह से, जितनी भी राशि, जितनी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं हमें करनी है। और आपने देखा कि हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई, बहुत समय में ऐसी आपदा नहीं आई थी। कितना नुकसान हुआ मैंने देखा, मैं हर जगह गई थी, मैंने देखा कि कैसे घर टूट गए थे,
एक परिवार में अभी तक मुझे याद है, एक परिवार के 6-7 सदस्य गुजर गए, मंदिर गए थे बच्चों को लेकर, और वहां 6-7 सदस्य गुजर गए। उस परिवार के बारे में सोचिए तो कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया है बस अभी इन्हीं 1-2 सालों के दौरान। और इस पूरे समय में मोदी जी और मोदी जी की सरकार, ये सारे नेता जो आज आपके सामने खुशी से आकर आपसे वोट मांग रहे हैं, भगवान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, ये कहाँ थे? इन्होंने क्या किया आपकी मदद के लिए? अपना कर्तव्य तक नहीं निभाया, उल्टा जो राशि आनी थी वो रोक दी। आज अगर हमारी प्रदेश सरकार जो गारंटी हमने आपको दी थी उसको पूरा करने का काम कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जो आपदा आई थी उससे बहुत बोझ पड़ा है हिमाचल की अर्थव्यवस्था पे। तो आप सोचिए भाइयों और बहनों कि इनकी नीयत क्या है, भाजपा के नेताओं की नीयत क्या है? क्या ये साफ नीयत है कि आप मुश्किलों में हैं, इतनी बड़ी आपदा आती है, इतना बड़ा संकट झेल रहे हैं, साल लगेंगे शायद सारी सड़कों की मरम्मत को करने में, जो जो टूटा उसको ठीक करने में, और जो गुजर गए उनके बारे में तो जीवन भर उनके परिवार के लोग उन्हें याद करेंगे और वो दुख झेलेंगे। लेकिन भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार ने आपको नकारा, और सिर्फ राजनीति की वजह से नकारा, सिर्फ इस वजह से नकारा कि आपने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, और उसके बाद उस सरकार को गिराने का काम भी किया, कोशिश बहुत की। ये तो हमारी सरकार एकजुट रही और हमारे विधायक एकजुट रहे काफी हद तक, इसलिए हमारी सरकार बच गई। लेकिन इनकी बस चलती तो आपकी चुनी हुई सरकार, वही मंत्री जिन्होंने आपदा में आपका साथ दिया, वही लोग चले जाते और एक नई सरकार लाते और सिर्फ सत्ता के लिए राज करते, आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं, आपके सामने आकर आपको तरह तरह के झूठ सुनाते हैं। आनंद शर्मा जी बोल रहे थे इनके वादों के बारे में, कौन सा वादा इन्होंने पूरा रखा किया? जितने वादे किए सारे वादे तोड़े हैं। इनकी बातें न गहरी हैं और न आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, हल्की बातें हैं। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरह की बातें कर रहे हैं, देश भर में जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे। कैसी बातें हैं ये? कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही, जानते हैं 55 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, देश 70 सालों से आजाद रहा है। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने काम किया है ये कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। एक हद तक सच है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया, जो इन्होंने 10 सालों में काम कर डाला। नाम लीजिए सरकार के, जो देश के जो कोयले के खदान, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, ना कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों के लिए सत्ता में रही, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे बनी, कहां से आए ये पैसे, किसके पैसे हैं?
60,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पार्टी में इन्होंने पिछले 1-2 सालों से खर्चे हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूं, एक रिपोर्ट आई है। और भ्रष्ट कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और भगवान के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं। कौन से भगवान उतरकर आपको कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो? भगवान तो एक ही बात कहते हैं, सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने, सारे भगवानों ने एक ही बात कही कि अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जियो, सत्य के पथ पर चलो। तो देव भूमि के मेरे भाइयों और बहनों, पहचान लो जो सत्य के पथ पर चल रहे हैं और जो असत्य के पथ पर चल रहे हैं उन्हें भी पहचान लो। यहां हिमाचल में इतने बड़े बड़े काम हुए, IIT खुला, कांगड़ा में निफ्ट खुला, एम्स खुला, सिल्क सेंटर यहाँ आया, टी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स आए, यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आया, ये सब किसने मनाया? ये 70 सालों में देश भर में IIT, IIM, ISRO, DRDO, भाखड़ा नंगल डैम, आप नाम लीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं किसने बनवाई? कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। भाजपा के नेता आके एक बार एक संस्था का नाम ले ले जो उन्होंने बनाई। नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम, वो उन्होंने बनवाया है। बताइए, सुबह से शाम तक तो इनके सारे नेता पंडित नेहरू को गाली देते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज बनाया कांग्रेस पार्टी में ने, और ये कह रहे हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कह रहे कि इन्होंने बनाया, क्योंकि इनके नाम एक चीज नहीं है, एक IIT, एक एम्स, एक बड़ी सड़क, एक बड़ी संस्था, एक चीज नहीं है आपको कहने के लिए। सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ, जो भी कांग्रेस ने बनाया था हमने अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को दे दिया। आपके सामने चुनाव के समय आते हैं तो आपके काम की बात तक नहीं करते, बेरोजगारी शब्द आप उनके मुंह से निकलते हुए कभी नहीं सुनेंगे, महंगाई शब्द कभी नहीं सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार देश भर में कुछ स्कीम लागू करना चाहती है। आपको याद होगा कि जब यहाँ चुनाव हुए थे तो हमने कहा था कि हर पर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उनके खाते में हम 1500 रुपए डलवाएंगे। थोड़ा समय लगा लेकिन ये काम अब शुरू हो गया है, और हिमाचल में ये बजट में भी पास हो गया है और कुछ जगहों में देना शुरू भी हो गया है। हम कह रहे हैं कि इसी तरह से देश भर में गरीब परिवारों में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डलवाएंगे। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें से 50% हम महिलाओं को दिलवाएंगे। जो आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाएंगे और केंद्र से दुगनी राशि भिजवाएंगे। आज किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। हम एक कानून लाएंगे जिससे आपको ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कानूनी तौर पर मिलना पड़ेगा, ये आपका अधिकार बनेगा। आपको भुगतान नहीं मिलता जब नुकसान होता है। हम 30 दिन के अंदर अंदर पूरे देश भर में किसानों के नुकसान का पूरा भुगतान कराएंगे। जब नुकसान होता है 30 दिन बाद आपको पूरा भुगतान मिलेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा जिससे अगर किसान को कर्ज उठाना पड़े तो वो किसी भी समय उस आयोग में जाकर उसकी सुविधा ले पाएगा। श्रमिकों के लिए देश भर में हम 400 रुपए का न्यूनतम दिहाड़ी का कानून लाएंगे। उससे कम दिहाड़ी आपको कोई नहीं दे पाएगा। जिस तरह से हमने गांव में मनरेगा का काम किया और उसे बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन मोदी जी के राज में वो कमजोर हुआ है, मनरेगा के पैसे नहीं मिलते। हम फिर से मनरेगा को मजबूत बनाएंगे और शहरों में भी हम शहरी मनरेगा लागू करेंगे ताकि शहरों में भी आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। हमने राजस्थान में जहां हमारी सरकार थी वहां 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने शुरू कराया था। उससे जनता की बहुत सुविधा हुई। 25 लाख तक जितना भी इलाज था
हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर के लिए जो इलाज ट्रीटमेंट वो सारा हो पाया और उसके लिए जनता को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया था और उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ मुझे पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे देने पड़े। ये कांग्रेस का काम है और यही काम हम देश भर में करना चाहते हैं कि देश भर में स्वास्थ्य बीमा लागू हो, 25 लाख तक आपका पूरा इलाज मुफ्त में हो। नौजवानों के लिए जो 30 लाख पद आज मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी सबसे पहले करेगी। और जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे ताकि स्नातक पास होते ही आपके हुनर को बढ़ाने के लिए आपको एक नौकरी मिलेगी जिससे आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं होती। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ का एक फंड लाएंगे जिससे जो जो अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, छोटा बिजनेस या स्टार्टअप, जैसे हिमाचल में हम स्टार्टअप फंड हमने बनाया है उसी तरह से देश भर में हम बनाएंगे ताकि आपको मदद मिले। आप शिक्षा के लिए अगर लोन लेते हैं, कर्ज उठाते हैं, तो शिक्षा के लिए जो भी कर्ज उठाएगा वो सारा कर्ज माफ होगा। और अगर किसी किसी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन पत्र के लिए आप फीस भरते हैं तो वो भी फीस हम रद्द कर देंगे, हटा देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपनी अग्निवीर की स्कीम है इनकी, इसको हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे। तो देखिए, आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया प्रदेश सरकार के बनाने के समय। आपने निर्णय लिया कि आप एक सही, सच्ची और ईमानदारी राजनीति लाएंगे अपने प्रदेश में। आप लाए और आप देख रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कि भाजपा कभी सरकार गिराने की कोशिश करती है, कभी आपदा के लिए जो राशि आनी चाहिए वो रोक देती है, कभी ये जो आपका जो OPS है जो हमने लागू किया, इसका जो एक पेंशन का जो फंड होता है उसको रोक के रखती है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार दिन रात आपके लिए काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। ये निर्णय आपने लिया, ये आपकी जागरूकता का नतीजा है कि आज प्रदेश में एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि जो आप अगला निर्णय लेने जा रहे हैं, जो आप लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसको भी पूरे विवेक और पूरी जागरूकता से डालिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में बहुत किया हिमाचल के लिए। ये जो मैं गिन रही थी, एम्स, आई